हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जयंती शर्मा, आपका खाना खजाना में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल व्रत चल रहे हैं और माता रानी आप पर अपनी कृपा बरसाए रखी, तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूं एक बढ़िया सी खस्ता कचौड़ी, सिंघाड़े की आटे की और साथ में एक बढ़िया सी चटनी। हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ। अब देखिए, मैं कचौड़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो एक छोटी लौकी ली है, आधी लौकी, और चार आलू, ये तो हमारा डो तैयार करने के लिए है। एक कटोरी आटा सिंघाड़े का और थोड़ा सा डस्ट इसके लिए, और तेल। अब इसकी स्टफिंग तैयार करने के लिए चार पांच आलू छोटे छोटे और हरा धनिया फ्रेश और जीरा और ग्रेटेड अदरक और ग्रीन चिली। और अब फ्रेंड बनाने के लिए चटनी, एक टमाटर, आधा चम्मच जीरा, एक छोटा सा अदरक, चार पांच मिर्चें और हरा धनिया। चलिए अब बनाने स्टार्ट करते हैं। आइए, हम आलू की कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल लेते हैं, फिर लौकी को हम इसको छील लेते हैं। देखिए, लौकी छील लिया है। अब हमें लेना है बारीक ग्रेटर, जिससे बहुत बारीक लौकी उसी से हमें ग्रेट करना है। मैंने लौकी को ग्रेट कर लिया है, अब इसी तरह हम आलू भी ग्रेट करेंगे इसी से। ये आलू मैंने ग्रेट कर लिया है, इसको साइड में रख देते हैं। अब ये है हमारा एक कटोरी आटा सिंघाड़े का, और एक चम्मच छोटा सा नमक, दो टेबल स्पून ऑयल, तिल का तेल, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसको हम मिक्स करते हैं। देखिए, ये इसका डो बन गया है। इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लौकी का ही बहुत पानी होता है इसमें, ये अपने आप ही हो गया। अब इसे ऊपर से थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे इसको, और इसको 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। ये डो तैयार हो गया है, अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखते हैं। अब हम की स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए आलू को भी ग्रेट करेंगे। यही रख लेते हैं। ये सब मैंने आलू ग्रेट कर लिए हैं, इसको साफ कर लेते हैं। इस स्टफिंग को थोड़ा सा भूनेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तेल जब हो जाएगा गर्म तो इसमें एक चम्मच जीरा, हरी मिर्च, दो चार हरी मिर्च और ग्रेटेड अदरक,
और इसको मिक्स कर लेते हैं फ्लेम लो कर लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड करते हैं और इसमें आलू डाल देते हैं, ग्रेट चीज़ डाल देते हैं। देखिए अब ये थोड़ा सा भून गया है, अब इसी में हम मसाला ऐड करते हैं। दो चम्मच नमक, भुना हुआ जीरा और हरा धनिया रस, और इसको फिर थोड़ा सा हम भून लेते हैं। भून गया है, हमने गैस बंद कर दी है और इसको थोड़ा सा हम इसमें निकाल लेते हैं और इसको स्टफिंग को ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम इसकी एक चटनी तैयार करेंगे। जब तक हमारे स्टफिंग ठंडी होती है तब तक हम इसमें एक बढ़िया सी चटनी तैयार करते हैं। 3-4 हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, एक छोटा अदरक का टुकड़ा और जीरा और एक टमाटर तो हम मोटा मोटा चॉप करके इसमें डालना है। दो चम्मच सेंधा नमक और थोड़ा सा पानी, अब इसको बंद करके हम ग्राइंड करते हैं। ये मेरी चटनी तैयार हो गई और इसको हम निकाल लेते हैं। दोस्तों जो टमाटर खाते हैं वो बना सकते हैं, वरना अकेली धनिया की भी बन जाती है। अब मेरा डो 10 मिनट हो गए हैं इसको, अब हम इसकी छोटी छोटी पेड़ियाँ पूरी बनाना शुरू करेंगे। इससे पहले हम गैस ऑन करेंगे, उसमें थोड़ा सा स्लो आंच कर देंगे और स्लो अब इसमें तेल रखेंगे जब तक ये गर्म होता है। ये तिल का तेल है फ्रेंड्स, थोड़ी सी पेड़ी ले लेंगे और इसमें डस्ट लगा के सिंघाड़े के आटे को और इसको छोटी छोटी लोइयां में तोड़ लेंगे। इसको ऐसे ऐसे पेड़े बना के हम यहाँ रख लें, एक छोटी सी वो ले लेंगे हम साफ अन्नी जिसको धो के सुखा के ताकि इस पर जब बनाए तो चिपके ना, उसकी पेड़ी बना लेंगे। ये मैंने लोइयाँ बना ली, अब इसमें थोड़ा सा डस्ट डाल दें आटे का, इसको ऐसे रख लेंगे इधर साइड में।
अब हम एक लोई ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसको ऐसे ऐसे खाली करेंगे और इसमें हम स्टफिंग बनाई थी वो हम भरेंगे। ये हल्के हाथों से इसको ऐसे प्रेस कर देंगे। इसी तरह हमें सारी बना के रख लेनी है। ये मेरी एक तैयार है, बाकी के हम सारे इसी तरह हम तैयार करेंगे। मैंने सब स्टफिंग भर के तैयार कर ली है। अब इसमें थोड़ा सा पन्नी में तेल लगाएंगे और इसको हाथ से हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। अब इसको हम धीरे से इस तरह हम ऐसे पलट लेंगे और इधर हमारा तेल भी गर्म हो गया और इसको हम डाल देंगे। इसी तरह हम करके सारी तैयार कर देंगे। अब इसको पलट देते हैं। थोड़ा फ्लेम थोड़ा सा तेज करते हैं। ये देखिए अच्छी लाल हो गई है, करारी कुरकुरी। अब इसको हम बाहर निकालते हैं। अब बाकी की जो है वो भी हम इसी तरह बिल्कुल हल्के हाथों से इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके इसको कढ़ाई में डालते हैं। ये देखिए ये मैंने तैयार कर ली है। अब इसको हम सर्व करते हैं। आइए बैठ लेते हैं, इसमें ये रखते हैं। और ये इसमें साथ में चटनी रखते हैं। थोड़ा सा ककड़ी का सलाद। ये लीजिए दोस्तों, मेरी सिंगाड़े के आटे की पूड़ी आलू की तैयार है। आप देखिए कैसी बनी है, हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। अगले वीडियो में बाय बाय।